मोकामा में नायकों को किया गया सम्मानित। आज मोकामा के कई नायकों को सम्मानित किया गया। मोकामा नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में सचिवालय पर झंडा फहराने वाले रामकृष्ण सिंह के पुत्र नवेंदु शर्मा, सुपुत्री कमला शर्मा, पुत्र वधु श्रीमती रेणुका शर्मा, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, BDO मनोज कुमार, CEO ज्ञानानंद, इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सभा का संचालन शिक्षाविद सुधांशु शेखर ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोकामा के सच्चे नायक रामकृष्ण सिंह के बारे में जानकारी दी। कार्यपालक पदाधिकारी ने मोकामा में शहीद हुए प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ ही रामकृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। वहीं बच्चों को सही राह दिखलाने वाले सरयू जी, सर्वोत्तम कुमार शर्मा, अजय कुमार, संजय कुमार, संजय ठाकुर, रविन्द्र कुमार, राजीव कुमार, पंकज कुमार, पारस कुमार, VK पांडे, प्रमोद कुमार, सीमा देवी, रजनी कुमारी, संगीता कुमारी, शंकर पंडित, उमेश पंडित, आनंद शंकर, रामजी गोप, राजेश शेखर पांडे आदि शिक्षकों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सभी स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार के रूप में जो आज हमारे साथ आए हैं और इस आयोजन एक महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उन सभी का मैं नमन करता हूँ। पद है कि आज हम लोग आज 11 अगस्त है और जैसा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि 1942 ईस्वी में इसी दिन 11 अगस्त को जब क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो एक बड़े ही लंबे स्तर पर जो एक अभियान अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था उसको एक सफल कार्यान्वयन और उसको एक सफल रूप देने के लिए आज हम लोगों के बीच मोकामा के श्री रामकृष्ण बाबू, उन्होंने सचिवालय में बहुत ही डेयरिंग जिसको हम लोग कहते हैं चैलेंजिंग टास्क, उसमें सफलतापूर्वक झंडा फहराया और साथ ही साथ से मोकामा का नहीं बल्कि पूरे बिहार का, उसके साथ साथ वो भी कम पाएगा पूरे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया। ये सच्चाई है कि हम लोग भी इस बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं थी। आज भी इतिहास में वे साथ शहीदों की स्मृतियों का बहुत ज्यादा जिक्र है। बाद में मैं यह जाना कि वो इसलिए था क्योंकि जिन्होंने ये काम कर दिया उनको इस तरह का कोई प्रसिद्धि का और किसी भी तरह का उनको कोई इस पॉइंट से कोई हिस्सा ही नहीं, उनको कोई मतलब उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हम क्या बोले। उन्होंने बस एक राष्ट्रहित का जो सबसे उच्च का मैं कहता हूँ गहरी चीज जो एक तरह से मौत का सामना एक तरह से समझिए कि था क्योंकि सामने ही सामने अभी करीब करीब 5 बज रहा है और उस समय भी लगभग 4:30 या 5 बजे का ही रहा था। तो अभी हम लोग थे कितना 80 साल के बाद इस चीज को हम लोग कर रहे हैं जो समझिए वो हम लोगों के लिए बाबा पर बाबा के इस रूप में रहे हैं। तो उनको बार बार मैं नमन करता हूँ और साथ ही साथ एक बात और भी कहता हूँ कि हम लोगों को इन चीजों का एक सिलसिलेवार ढंग से एक आयोजन होते रहना चाहिए। हमें जब ये जानकारी मिली तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आज 11 अगस्त का है या 15 अगस्त है, नहीं, इस चीज का इसलिए भी होना चाहिए कि लोगों को पता तो चले। आज मैं कहता हूँ कि आज जो ये सफल आयोजन आप सभी के मदद से सबके सहयोग से जो यह संचालित हो रहा है इसका मिलो मिलता इसका आगे इसका इफेक्ट रहेगा अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहा है और भी बेहतर आयोजन होंगे और ये संस्कृति हम लोग आप लोग अपने बच्चों में तहत मतलब जनरेशन टू जनरेशन में ले जाएगा। तो ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि यदि हम आप सभी को ही अगर आजादी की सांस ले रहे हैं तो वो ऐसे ही सबको ले रहे हैं
और उनके बारिश यकीन न केवल गुड़गांव के बिहार के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक गौरव के पात्र उन्हें चाहिए। जय रहेंगे। उनके
उनके उत्साह गति से ही उत्साह से ही काव्य संग्रह का प्रकाशन संभव सका और इस आयोजन की भूमिका उन्होंने ही ध्यान हम उनके कार्यपालक पदाधिकारी हमारे बड़े भाई मुकेश मंच पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामकृष्ण सिंह के आए हुए परिवार एवं पटना इलाज के लिए ले जा रहे ट्रेन को रोक करके इनको मारने का प्रयास हुआ तो मुसलमानों ने कहा कि इन्होंने ही जान बचाई है हमें, इन्हें मत मारो, कि पता नहीं कहां से भगवान है जो हम लोगों को ले जा रहे हैं लोगों से बचा कर। तीसरी घटना है